Hello and welcome back to Step by Step Study. I am Rachit and today we have with us Mr. Saurabh, who has been selected as Statistical Investigator through SSC CGL 2021. This video is very important for all those who are preparing for statistics or for any other exam. So, first of all, congratulations, Saurabh. Pehle, give us your intro. Tell us something about your educational qualifications. And ye batao ki, when did you start preparing for this exam? सबसे पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मेरी जर्नी में मेरा साथ दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया. सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और हर किसी को बहुत बहुत धन्यवाद. अब जहाँ तक बात है मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो मैंने 11, 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किया हुआ था और उसके बाद ही मैं फिल्म इंडस्ट्री में चला गया था. पर साइड बाय साइड मैं ग्रेजुएशन कर रहा था क्योंकि डिग्री एक ये था कि एक डिग्री मेरे पास होनी चाहिए, तो मैं साइड बाय साइड ग्रेजुएशन कर रहा था. फिर लेकिन 2016 में मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा शायद मेरे पास एक प्लान भी होना चाहिए. तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से बात किया और उन्होंने बताया कि अगर तुम बीएससी की डिग्री रखते हो अपने पास तो तुम मतलब अब आगे चल के अगर कभी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो तुम उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे. मतलब काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें बीएससी की डिग्री मतलब मांगते हैं एग्ज़ाम्स में. तो फिर मैंने बीएससी की डिग्री ली थी और स्टैट्स से मैंने किया था, तो मेरे पास स्टैट्स की डिग्री थी 3 साल की. और फिर मैंने सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की थी 2019 से. और क्योंकि मैंने खुद को एक टाइम लिमिट दे रखी थी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि मैं इतने टाइम के बाद अगर कुछ अपने पेरेंट्स को अपने पास ला पाया तो करूँगा कंटिन्यू, अगर नहीं ला पाया तो फिर मैं अपनी लाइन को चेंज कर लूँगा. तो 2019 में मेरी सबसे जो मेरी लास्ट सिस्टर है मतलब सबसे छोटी बहन है उसकी शादी हो गई थी, पेरेंट्स अकेले हो गए थे, तो मुझे थोड़ा सा अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा और फिर मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था. तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सबसे ज़्यादा बार जो हमसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क इट एवरी टाइम व्हेन दे हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्टैटिस्टिक्स. तो आपने हाउ डिड यू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहता है सबके पढ़ने के लिए. तो आपने टाइम कैसे मैनेज किया, वॉट वॉज योर स्ट्रैटेजी टूवर्ड्स इट, एंड how did you divide the time between all the subjects? सर, टाइम मैनेजमेंट के लिए एक्चुअली ऐसा था कि मैं इसके पहले भी एक दो अटेम्प्ट्स दे चुका था, तो मुझे एक आइडिया लग गया था कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो मैथ और इंग्लिश में आ रहे हैं. तो मैथ्स और इंग्लिश तो मेरी प्रिपेयर थी ऑलरेडी, क्योंकि मैंने CHSL दिया था 2019 का, तो उस टाइम मेरी मैथ्स में 50 out of 50 थे, तो मेरी मैथ्स तो प्रिपेयर थी. पर स्टैट्स थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट था जो कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा था हमने, तो स्टैट्स को मुझे अपना पूरा फोकस स्टैट्स पर शिफ्ट करना था. तो इसके लिए मैंने आपका ही सर का कोर्स लिया था और मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी इसके अलावा, मैंने कोई मतलब ऐसा नहीं किया था. हाँ, मैंने सर का कोर्स परचेज किया था और कोर्स परचेज करके मतलब बहुत से लोगों का ऐसा होता है स्ट्रेटेजी कि आप डेली 2 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो एक महीने दो, पर मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा से थोड़ी मतलब जो नए सब्जेक्ट्स हमको लेके अलग रही है. मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे पास 10 दिन मतलब एक महीना है तो मैं स्टार्टिंग के 6 से 7 दिन में वो सब्जेक्ट को एक बार पूरी तरह ख़त्म कर लूँगा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मुझे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में आ रही हैं, कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और मुझे पढ़ना क्या क्या है इस सब्जेक्ट में है. और उसके बाद फिर मैं वो 2.5 घंटे 3 घंटे डेली वाली स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ. तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि जो हमारे 12 चैप्टर्स स्टैट्स के हैं वो 12 चैप्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और किन का कितना वेटेज है. तो मुझे पता चला 7, 8, 9, 10 ये 4 ऐसे चैप्टर्स थे जो थोड़ा ज़्यादा मतलब लॉजिकल थे, डीप में थे और इनका वेटेज भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था. तो मैंने ये 4 चैप्टर को पढ़ा ही नहीं, इन 4 चैप्टर्स को हाथ ही नहीं लगाया था. और बाकी स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर्स थे और एंड का जो टाइम सीरीज़ और इंडेक्स नंबर होता है वो मैंने पढ़ा था अच्छे से. तो मैंने इन्हीं पे पूरा फोकस किया था क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मुझे किसी तरीके से 130, 140 तक भी अगर मैं पहुंच जाता हूं
तो वो मेरे लिए एक अच्छा स्कोर रहेगा। तो मैंने इस तरीके से किया कि मैंने स्टार्टिंग में पहले पूरे के पूरे ये जो चैप्टर्स मैंने 4 बताए इनको छोड़ के पूरा स्टैट्स एक बार कवर कर लिया। फिर उसके बाद मैं वापस से इनको पढ़ना स्टार्ट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया मैंने। और फिर मैं 8-10 दिन के बाद डेली 2 घंटे 2.5 घंटे इस सब्जेक्ट को देता था, मॉक्स देता था मैथ्स के और इंग्लिश के, क्योंकि मुझे मैथ्स और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता था तो मैं उस पर खाली मॉक्स पर डिपेंडेंट रहता था। तो इस तरीके से मैंने अपना स्टैट्स का और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का टाइम को बाइफरकेशन किया था। ओके बहुत यूनिक एंड वेल प्रिपेयर्ड स्ट्रैटेजी थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने क्या कंटेंट रेफर किया, कौन सी बुक्स को रेफर किया एंड किस किस बुक को या फिर किस कंटेंट को आपने फॉलो करते हुए अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। बुक्स के लिए सर मैंने कोई ऐसी अलग से एज सच बुक नहीं प्रेफर की थी स्टैट्स के लिए, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था बहुत ज़्यादा स्टैट्स का। तो मैंने कोर्स परचेज किया और उसी को ही केवल पढ़ा, मैंने उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। और वो कोर्स को परचेज करने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये चीज़, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर लगा रहा था तो वो सवाल प्रीवियस ईयर के होने लग गए थे मुझसे। तो फिर बीच बीच में एक दो मॉक दे देता था मैं, तो ताकि अंदाज़ा लगे मुझे कि मैं कितने सही डायरेक्शन में स्टडी कर रहा हूँ। क्वेश्चंस होने लगे थे 80-90 मार्क्स, 95 तक आने लग गए थे, तो मुझे लगा शायद मेरा डायरेक्शन सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब मॉक दिया था तो मेरे 25-30 नंबर केवल बने थे। तो एक कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप होने लगा था, तो मैंने कोर्स पे ही फोकस कर रखा था, क्योंकि मेरा टारगेट ऐसा नहीं था कि मुझे कोई टॉप करना है स्टैट्स में। मेरा टारगेट ये था कि एक रिमार्केबल स्कोर मेरा स्टैट में बन जाए, ताकि ओवरऑल मिला करके, और यही रीज़न था शायद मेरा मैथ्स में स्कोर कम रह गया, क्योंकि मैंने मैथ्स पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पाया, स्टैट्स को ही पूरा तरीके से फोकस किया था। क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे लिए एक प्रायोरिटी थी कि 4200 पे ग्रेड की अगर जॉब मुझे मिल रही है तो मैं उस पर फोकस करूँ, मैं उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाऊँ, और आगे और अटेम्प्ट्स हैं मेरे पास तो मैं हो सकता है उनमें ट्राई कर सकता हूँ। पर अभी फ़िलहाल मैं 4200 पे ग्रेड के लिए ही करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने मैथ्स पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी, मैथ्स की बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं किया था, मैंने स्टैट्स पे ही फोकस किया था। मुझे ओवरऑल एक अच्छा स्कोर चाहिए था, ताकि मैं मतलब कॉन्फिडेंट रह सकूँ इस चीज़ को लेके कि यस आई एम सिलेक्टेड। तो मैंने पूरा फोकस अपना स्टैट्स पे ही किया था और सर का कोर्स ही मैंने परचेज किया था, मतलब इसके अलावा मैंने कोई चीज़ बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी थी। Okay, so now towards the last segment of this interview, Saurabh, I know your journey. मुझे पता है कि कैसे आपने स्ट्रेस से, आपने फेलियर से डील किया, बट इस क्वेश्चन के थ्रू आई वॉन्ट कि बाकी सब कैंडिडेट्स, बाकी सब स्टूडेंट्स या बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपसे लर्न करें, आपसे सीखें कि हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस, हाउ डू यू डील विद एंगजाइटी, जो किसी भी प्रिपरेशन के साथ, नॉट जस्ट ये एग्ज़ाम के लिए या किसी भी प्रिपरेशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो जो स्ट्रगल से आप गुजरते हैं, आई वॉन्ट यू टू टेल देम एंड आई एम श्योर कि इसको देख के, आपको सुन के बाकी सब स्टूडेंट्स भी इंस्पायर होंगे एंड दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। सर स्ट्रेस और डिप्रेशन मतलब ये दो तो ऐसे मेरे पार्ट थे, मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ पूरे जर्नी तक मतलब चलते ही रहे चलते ही रहे। मैंने इनको बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि मतलब ऑलरेडी मैं सर 8 साल फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ था कि मुझे ये स्ट्रगल बहुत बड़ी स्ट्रगल नहीं लग रही थी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी मेहनत कर लूँगा तो शायद अभी कुछ समय के बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बाकी ऑब्वियस ही बात है सर, अब एक ग्लैमर की दुनिया, मैंने ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में 15 सीरियल्स किए हुए थे, 6 फिल्में की हुई हैं और कई सीरियल में एसोसिएट डायरेक्टर रहा हूँ, कुछ कुछ सीरियल्स में एज ए डायरेक्टर भी मैंने काम किया था। तो वो जगह को सडनली छोड़ के ग्लैमर की दुनिया, जहाँ पे आप देश विदेश में घूम रहे हैं, आप खाली महंगी महंगी चीज़ों का शौक है और उसके बाद आप सडनली अपने आप को एक 10 बाय 10 के कमरे में पैक कर लेते हो, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हार्ड हो गई थी मेरे लिए। पर इतनी हार्ड नहीं थी कि मैं खुद को स्टेबल ना कर पाऊँ, मैंने धीरे 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 अपने आप को स्टेबल कर लिया एंड
फिर जब मैं एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया तो मैं जहाँ पे मैं पढ़ने जा रहा था वहाँ पर भी और बाकी जगहों पर भी मेरे बहुत ख़राब मार्क्स में बहुत गंदे मार्क्स आ रहे थे। पर मुझे ये था कि यार अभी तो मैंने इतने साल के बाद 8 साल के बाद पढ़ाई स्टार्ट की हुई है, तो मतलब अब चूँकि इतना टाइम हो चुका है तो शायद हो सकता है थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा वापस से अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करने में। पर धीरे 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 मैंने इन्वॉल्व किया अपने आप को और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया तो CHSL मेरा निकल गया था। पर ये था कि मैं CHSL में मैंने ज्वाइन नहीं किया था और मैंने उसका DB भी नहीं दिया था, बिकॉज़ मैं बिलीव करता हूँ कि सबको ही मतलब जॉब मिलनी चाहिए। अगर हम मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं बड़ी हायर पोस्ट के लिए तैयारी करके और उसको बीट कर सकता हूँ, तो फिर मतलब हर पोस्ट पे अपने आप को चेक नहीं करना चाहिए कि हम अपनी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए मैं तो किसी दूसरे के पेट पे लात मार दूँ, वो भी गलत होता है। तो इसलिए CHSL में मैं DV नहीं देने गया था और 2019 में मैं 0.43 मार्क्स से रह गया था। फिर उसके बाद 2020 में हुआ तो उसमें मैंने कट ऑफ देख ली थी और मेरे मार्क्स वैसे तो बन रहे थे मतलब टैक्स असिस्टेंट के लायक, पर कट ऑफ से ना मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि YouTube पे जो कट ऑफ्स बताई जाती हैं प्लीज़ उन पे बिलीव मत किया करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत डिग्रेड कर लेते हैं उन कट ऑफ के हिसाब से और बाद में पता चलता है कि यार हमारी तो सिलेक्शन हो रहा था पर हम कट ऑफ के चक्कर में रह गए। और एक और रीज़न था, मैं 2020 के DV में गया था पर टाइपिंग में नहीं गया था, क्योंकि 2020 का टाइपिंग जो था वो 5 अगस्त को पड़ा था और 8 और 10 अगस्त को मेरा 2021 का मेंस का एग्ज़ाम था, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा कि शायद यार स्किप कर देता हूँ। वैसे भी 4200 पे ग्रेड के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ तो अगर ये मिल जाएगी तो 2400 वैसे भी मुझे छोड़नी रहेगी, तो मैंने उसकी टाइपिंग ही छोड़ दी थी। और फिर 2021 में तो हुआ सिलेक्शन, पर उसके पहले IB में मैं 0.25 मार्क्स से रह गया। UPSI का एग्ज़ाम दिया था दरोगा का, उसमें मैंने रिटर्न निकाला था, मैंने रनिंग निकाली थी 25 मिनट में, 4800 मीटर की रनिंग भी मैंने निकाली थी। पर जब नहीं हुआ 0.03 मार्क्स से तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ, मतलब बहुत रोया, मैंने बहुत उम्मीद लगा ली थी, मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे कोई सड़क पे दरोगा दिख जाता था तो मैं उनके पास चला जाता था, उनसे बातें करने लगता था, मैं जीने लगा था, एक पुलिस की लाइफ को जीने लगा था। तो ये भी एक मुझे एक लाइफ में सीखने को मिला कि जब तक कोई चीज़ आप अचीव मत कर लो तब तक अपने आप को उसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि फिर उस चीज़ से बाहर निकलने में ना बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, मैं दोस्तों के स्टेटस देखता था और मैं ये और एक और चीज़, ये सारी चीज़ें मैं फैमिली में किसी को बता नहीं रखा था, किसी को पता नहीं था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि सबके हिसाब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही था अभी तक। फिल्म इंडस्ट्री में जब गया था तो बहुत लोगों ने ताना मारा था, बहुत कुछ बोला था, मेरे फादर को बोलते थे, मुझे बोलते थे, तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर करता था। पर मुझे लगा कि यार अगर मेरी 4 बहनें हैं, 2 डॉक्टर हैं, तो मुझे लगा शायद मेरे बिहाफ से भी मेरे फादर थोड़ी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, तो उनके लिए मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया एंड वही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन थे, मेरे फादर और मेरी मदर, वही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मैंने जब भी एग्ज़ाम में फेल हुआ मैं अकेले रोया बैठा, बहुत परेशान हुआ, फिर मैंने वापस से हिम्मत बांधी, हमेशा ये सोचा कि यार और अटैम्प्ट हैं मेरे पास और एग्ज़ाम्स हैं मेरे पास, मेरी एज है, अगर मैं वापस आ करके इस मुकाम तक पहुँच सकता हूँ तो शायद मैं मंजिल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, तो हार मानने का तो कोई मतलब था ही नहीं इस समय मेरे लिए। तो मैं लगा रहा करता रहा मार्क्स और धीरे 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 मैंने देखा कि पहले मैं 0.5 से बाहर हुआ, फिर मैं 0.25 से बाहर हुआ, फिर मैं 0.03 से बाहर हुआ, तो मतलब मैं मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि यार 0.03 भी कोई नंबर होता है, पर हो गया, मतलब 0.03 से बाहर, मतलब बाहर भी हमारे लाइफ में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप एक लाइन है पार कर गए तो पास हो, नहीं पार किए तो फेल हो, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। तो 0.03 से मैं वो लाइन नहीं पार कर पाया तो मैं फेल हो गया था। फिर मैंने लेखपाल की तैयारी किया, लेखपाल का एग्ज़ाम दिया, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। CGL का एग्ज़ाम था तो CGL का एग्ज़ाम मैंने दिया और फॉर्चुनेटली भगवान के आशीर्वाद से ये सब चीज़ें मुझे मिल गईं। पर डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा झेला मैंने, बहुत बार ऐसा भी लगा कि छोड़ दूँ, मतलब फिर ये लगा कि यार छोड़ के जाऊँगा कहाँ पे, ऑलरेडी मैं 26-27 की एज में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैं ऑलरेडी 80% जॉब के लिए आउट ऑफ एज हो चुका था, मतलब वो मेरे पहला अटेम्प्ट कई तो ऐसे एग्जाम्स थे जिनका पहला अटेम्प्ट भी हुई था और लास्ट अटेम्प्ट भी हुई था, तो मेरे लिए बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता था ऐसे एग्जाम देने के लिए। पर वो उन एग्जाम्स ने मुझे सिखाया, बहुत कुछ सीखा मैंने उन एग्जाम से, और फिर धीरे धीरे करके जो है अब
जैसे जैसे पढ़ाई आते आगे बढ़ती गई वैसे वैसे चीज़ें अचीव होती गई और फाइनली ये जॉब मुझे मिल गई। आप सब लोगों का प्यार था, सब लोगों का आशीर्वाद था, सबका सपोर्ट था। और फिर मेरा जब रिज़ल्ट आया तब जा कर के मैंने अपने फैमिली में लोगों को बताया कि मेरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हो गया है और मुझे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट मिली है। तो सबका बड़ा शॉकिंग रिएक्शन था कि अब तुमने पढ़ाई कब किया, तुमने तो तुमको तो पता नहीं तुम पढ़ रहे थे। और मैं ये सब चीज़ें बहुत छुप के कर रहा था, मैं किसी से बताना नहीं चाहता था क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों से शेयर कर देते जब ना कि हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आने के बाद उनको हमसे ज़्यादा उम्मीदें लग जाती और वो उम्मीदें हम पे प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। मैं इस प्रेशर से हमेशा बच के रहना चाहता था कि मुझे कम से कम रिलेटिव्स और आस पड़ोस के नेबर्स इन लोगों का प्रेशर नहीं चाहिए। मतलब ठीक है मेरे लाइफ में मेरी एज का प्रेशर है, जो भी चीज़ का प्रेशर है, पर इस प्रेशर से मुझे दूर रहना है। तो मैं हमेशा अपने आप को लोगों से अवॉइड करके रखता था। मैंने शादियाँ नहीं अटेंड की, बहुत से लोग नाराज़ भी हो गए इस बीच में कि नहीं आया, पर अब उनको समझ में आया है। मैंने फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, अब मेरा ऐसा ऐसा सिलेक्शन हो गया, तो वो भी खुश थे। उन्होंने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं आए बट वी आर हैप्पी। तो आपके भी लाइफ में आएगा ऐसा, बहुत बार ऐसा मोड़ आएगा जब आपको लगेगा कि शायद छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 5 अटैम्प्ट हो गए 4 अटैम्प्ट हो गए नहीं हो रहा है, मतलब किस्मत में नहीं है। बट बॉस किस्मत किसे नहीं होती हैं चीज़ें, हाँ किस्मत से होती हैं कुछ हद तक, बट मोस्टली आपका जो है वो आपका लेबर ही डिपेंड करता है कि आपको कितना सक्सेसफुल बनाएगा वो। तो ये था मेरा डिप्रेशन और जो भी चीज़ें मेरे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आए उनसे निपटने का तरीका, कि मुझे जब भी लगा हार मानने का तो मैंने अपने मॉम का चेहरा याद किया, अपने डैड का चेहरा याद किया, पापा का चेहरा याद किया। और मुझे लगा कि मैं जिस दिन ऑफिसर बन जाऊंगा और इन्हें बताऊंगा कि पापा मैं ऑफिसर बन गया, उस दिन क्या मैं बोल भी रहा हूं, अगर ये चीज़ मैं अज्यूम कर रहा हूं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बिकॉज जब मैंने पापा को बताया, पापा ऐसा ऐसा चल रहा, तो ही वॉज लिटरली क्राइंग, मतलब रोने जैसा उनका हो गया था एकदम फेस। मैं नहीं बता सकता वो कितना प्राउड मोमेंट था मेरे फैमिली के लिए। सो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी मेरा इस जर्नी में साथ दिया। थैंक यू रचित सर एंड योर होल टीम, एंड थैंक यू ऑल द टीचर्स जिन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। आई एम स्पीचलेस एंड आई हैव नो वर्ड्स सौरभ इस लास्ट सेगमेंट के बाद, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम श्योर योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू टुडे। एंड इस वीडियो के थ्रू बाकी फ्यूचर एस्पिरेंट्स, फ्यूचर कैंडिडेट्स को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम यू टुडे बिकॉज दे विल नो कि आप स्ट्रेस से, आप फेलियर से कैसे डील करते हैं। एंड स्टिल स्ट्रगल सबकी लाइफ में होती है, सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं इन प्रिपरेशन इन अदरवाइज इन लाइफ, बट उन स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम करते हैं एंड उन स्ट्रगल से, उन फेलियर से, स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से कैसे डील करते हैं, दे विल लर्न टुडे फ्रॉम यू। थैंक यू अगैन सौरभ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम स्टेप बाई स्टेप स्टडी। थैंक यू सो मच।